हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द मिरेकल हब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोप बनाने के बारे में, लेकिन ये सोप जो है वो हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे घर में अगर पेट्स हैं, स्पेशली डॉग्स हैं, तो उनके लिए हैं। बहुत बार नहलाने के बाद भी हमारे डॉग्स इचिंग करते हैं, हम ये देखते ही हैं। हफ्ते में एक बार, दो बार या कभी कभी उससे ज़्यादा भी आप उनको नहलाएं, उसके बावजूद भी वो इचिंग करते रहते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि उनकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है और कई बार टिक्स एंड जो फ्लीज उन पर बैठ जाते हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, उनको जो घाव रह जाता है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो इसीलिए आज का ये सोप हम बनाने वाले हैं हमारे जो डॉग्स हैं उनके लिए। इस सोप को अगर आप यूज़ करते हैं अपने डॉग्स के लिए, तो इसमें उसको जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर फ्लीज़ या टिक बाइट्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी कम हो जाएगी। बाकी अगर कोई स्किन कंडीशंस उनकी हैं तो उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा, और इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये इनमें भी रिलीफ मिलेगा। इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, रेडनेस अगर स्किन पर है तो उसको कम करेंगे, और आपका जो डॉग है उसको इचिंग से रिलीफ देने में हेल्प करेंगे। तो ये वाला सोप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपके डॉग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इचिंग की, या फिर आप उसको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नाउ मूविंग ऑन टू कि हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। सो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट आता है ओट्स। ओट्स क्या करने वाला है? ओट्स जैसे हमारी स्किन पे काम करता है एक एक्सफोलिएटर की तरह, सेम उसी तरीके से ये हमारे डॉग्स की स्किन को भी एक्सफोलिएट करने का काम करेगा। और अगर उनकी स्किन पे कोई इचिनेस या इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ये कम करेगा, ख़त्म करेगा। नाउ ये आपको बनाना कैसे है? आपको नॉर्मल जो प्लेन ओट्स हमारे होते हैं, रेडी टू मेक या इंस्टेंट ओट्स नहीं लेने हैं। ओट मील जो हमने लेना है वो होल ओट्स जो होते हैं वो लेने हैं, और उससे हमें ये पाउडर बनाना है। ये आप घर पे भी बना सकते हैं इजीली। देन हमने लिया हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगेन बहुत ही अच्छा होता है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, एंड उसी के साथ रेडनेस अगर स्किन पे है तो उसको कम करने के लिए, इचिंग स्किन पे हो रही है अगर आपके डॉग की तो उसको भी कम करने के लिए। इन दोनों की क्वांटिटीज़ हमने इक्वल लेनी है। यहाँ पे जितना क्वांटिटी आप ओट्स की लेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपको सोप बनाते वक्त बेकिंग सोडा की भी ऐड करनी है। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल। रीज़न फॉर एडिंग दिस इज़ कि लेवेंडर का जो एसेंशियल ऑयल है वो आपके पूंछ की यानी आपके डॉग की स्किन को सूद करेगा, इचिंग की अगर प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ देगा, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन या कोई भी तरह की एलर्जीज़ अगर हैं तो उसमें भी ये रिलीफ देगा डॉग को। फ्लीज, एंटिक बाइट्स अगर उसकी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपके डॉग को रिसेंटली फ्लीज थे या टिक्स थे, उसकी वजह से उसके बाइट्स के मार्क्स रह गए हैं और वहाँ पे वूंड्स रह गए हैं उसके, तो उसमें भी ये रिलीफ देगा। नेक्स्ट जो कोई स्किन कंडीशंस और उसके अलावा है, कोई एलर्जीज हैं, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। ब्रांड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आप प्रेफर करते हैं। तो ये तीन हमारे इंग्रेडिएंट हैं जिनसे हम बनाने वाले हैं हमारा आज का डॉग्स के लिए सोप। एंड दिस इज़ द लास्ट वन। ये हमने लिया हुआ है 100 ग्राम्स के अराउंड सोप बेस। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, विदाउट फर्दर एड्यू स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें बनाना है हमारा आज का सोप। सो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको हम रखते हैं अभी साइड पे। हम अपने इंग्रेडिएंट्स को एक राइट प्रोपोर्शन में ऐड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेम ही क्वांटिटी हमें यहाँ पे लेनी है ओट्स की भी, जितने हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो उतना ही हम यहाँ पे ओट्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ओट्स ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। टेन ड्रॉप्स मैंने ऐड किया है यहाँ पे। आप इसको कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 12 के अराउंड आप ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, और कम आप 4 to 5 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। Thank you.
अब हम सोप बेस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो गोट मिल्क का जो सोप बेस आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लियर यूज़ किया हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में। देखिए अब हमें इसे करना है मेल्ट। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी हम सोप बेस को मेल्ट कर रहे हैं हमें उसके लिए डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ करना है। तो अब हम अपना फ्लेम ऑन कर लेंगे। सो अब हमारा ये पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है, अब हम इसमें हमारा दूसरा वेसल ऐड कर लेंगे। एंड इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा सोप बेस। ये देखिए ये हमारा सोप बेस जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मिक्सचर, ओट्स का, बेकिंग सोडा एंड लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसे कुक करना नहीं है, सिर्फ आप अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। लम्प्स नहीं रहने चाहिए कोई भी ओट्स के। ये हमारा मिक्स हो चुका है, टर्न ऑफ द फ्लेम इमीडिएटली। ये हमने फ्लेम से अपना सोप बेस उतार लिया है और बहुत ही क्विकली आपको इस तरह के एक सिलिकॉन के मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र करना है। ये ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको इस तरीके से इजीली ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये हमारा सोप हमने ट्रांसफ़र कर लिया। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, अदरवाइज़ वो आपका जिसमें आपने सोप बेस को मेल्ट किया है उसी में ही वो रह जाएगा। अब हम इसे एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे और उसके बाद ये रेडी टू यूज़ है। ये सोप रेफ्रिजरेट हो गया है, एक घंटे के लिए हमने इसको रेफ्रिजरेट किया था। अब निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सोप बनके रेडी हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया घर पे और एकदम केमिकल फ्री आपका सोप बनके रेडी हुआ है। आप इस सोप को अपने डॉग के लिए बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इजी टू यूज़ है, सेफ़ है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। बिल्कुल मैंने आपके सामने बनाया है तो आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। आप खुद भी इसे बना सकते हैं। ये एक एक्सफोलिएटर की तरह एक्ट करेगा और आपके डॉग की जो स्किन है उसको हेल्दी रखेगा और क्लीन रखेगा। और साथ के साथ अगर कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, इचिंग है, या टिक्स एंड फ्लीज की वजह से अगर कोई ज़ख्म रह गए हैं, वूंड्स रह गए हैं, उनके काटने का निशान रह गया है, उसकी वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा। इस सोप को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आपके डॉग की स्किन इरिटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो आप मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए द मिराकल हब को इसी तरह के और भी बहुत 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 सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।